अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपके साथ गजरेला बनाने की रेसिपी शेयर करेंगे। गजरेला बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसके लिए हमने 4 से 5 गाजरें ली हैं। इन्हें हम छीलकर कद्दूकश कर लेंगे। एक प्याली से थोड़ी सी कम चीनी है, एक मयरी कप जो है वो चावलों का है, आधा कप बादाम, इन्हें हम पानी में भिगो देंगे और छील कर इस्तेमाल करेंगे। और थोड़े से हमने मेवे लिए हैं, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से, जायके के हिसाब से इन्हें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 से 2 टेबलस्पून केवड़ा वाटर और 2 से 2.5 लीटर हम दूध इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम गाजरों को छील लेंगे। गाजरों को हमने छील कर अच्छे से धो लिया है, अब हम इन्हें कद्दूकश कर लेंगे। सारी गाजरें जो हैं वो कद्दूकश हो गई हैं। अब हमने चावलों को अच्छी तरह से धो लिया है, हमने इसे बिल्कुल भी भिगोकर नहीं रखा, धोकर हम डायरेक्ट ही इसमें शामिल कर रहे हैं, दूध के अंदर ही ये फूलेंगे। अब हम इसमें 2 लीटर दूध शामिल कर देंगे। दो लीटर दूध हमने इसमें शामिल कर दिया है। अगर हमें ज़रूरत महसूस होगी एंड पर तो हम इसमें मज़ीद दूध शामिल करेंगे। अब हम सिर्फ दूध, गाजरों को और चावलों को पकने के लिए छोड़ देंगे तेज़ आंच पर। जब तक इसमें बॉयल नहीं आता हम इसमें मुसलसल चमचा हिलाते रहेंगे। हमने बादाम जो है उन्हें भी भिगोकर छीलकर 2-3 हिस्सों में काट लिया है, साथ ही हम इसको भी शामिल कर देंगे। गजरे को उबाल आना शुरू हो गया है, अब हम इसकी आँच हल्की कर देंगे और इसे पकने के लिए छोड़ देंगे और गाहे बगाहे हिलाते रहेंगे ताकि गजरेला नीचे ना लगे। गजरे को पकते हुए आधे घंटे से ज़्यादा टाइम हो चुका है, तकरीबन 35 मिनट हो चुके हैं। अब ये इसमें चावल जो हैं वो भी अच्छी तरह से फूल चुके हैं। अब हम इस मुकाम पर इसकी आंच तेज़ कर देंगे और इसमें चीनी शामिल करेंगे और जो बाकी दूध है वो भी इसमें ज़रूरत इसमें डाल देंगे, क्योंकि अभी इसे थोड़ा सा और पकना है। इस मुकाम पर ही हम इसमें मेवे भी धोकर डाल देंगे। गजरेला जो है वो अच्छे से पक गया है, चावल जो हैं वो बिल्कुल इसमें टूट चुके हैं, खुद से ही टूटे हैं, इनको किसी भी चीज़ के साथ मैश नहीं किया, सिर्फ ये पक पक कर टूटे हैं और इन्होंने अपनी खीरनी छोड़ दी है। और ये थोड़ा सा पतला महसूस हो रहा है, लेकिन जब ये ठंडा होगा तो ये गाढ़ा हो जाएगा। इस मुकाम पर हम इसमें फ्रेश पीसी हुई जो सब्ज़ इलायची है उसका पाउडर शामिल करेंगे और इसके साथ ही इसमें 1 टेबल स्पून केवड़ा वाटर जो है वो शामिल करेंगे। केवड़ा वाटर जो है वो टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम इसे फ्रिज में रख देंगे। गजरेला जो है वो खाने के लिए तैयार है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आएगी। शुक्रिया।